प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में 35 ऑक्सीजन प्लांटों का किया शुभारंभ। जिला चिकित्सालय में भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया लोकार्पण। जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा कर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का किया विरोध। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का हुआ समापन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता हुए पुरस्कृत। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, आगामी पर्वों को लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की सहयोग की अपील। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन, और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पीएम केयर्स फंड से छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में 35 ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ किया गया। इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैराम रघुवंशी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब्स का नेटवर्क, मास्क और किट्स के आयातक से निर्यातक बनने का सफर तय किया गया। उन्होंने कहा, देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, भारत ने जो कर दिखाया है वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारी सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। डॉक्टर से किया, भाई और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी 6M से आगे बढ़कर 22M का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में आज पीएम केयर फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन, जिला पंचायत प्रशासकीय समिति की प्रधान श्रीमती कांता ठाकुर, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, रमेश पोफली, दौलत सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया व सिविल सर्जन डॉक्टर सुराना सहित जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी व मेडिकल स्टाफ उपस्थित था। शिखर सुराना जी से, जो कि यहाँ के सिविल सर्जन है, वो भी आए यहाँ पर। आगे आने वाली पीढ़ी भी प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ रहेगी। आज इस ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर्स को, नर्सों को, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ आप लोगों ने इस कोरोना की, चाहे प्रथम लहर हो चाहे द्वितीय लहर हो, इसमें मरीजों की सेवा की है, ऐसी ऊर्जा ऐसी शक्ति आप लोग की बरकरार रहे, यही मेरी आज माता जी से कामना है। आज हम लोग इस ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ अवसर पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन वो समय भी हम सभी को ध्यान होगा कि एक एक सिलेंडर के लिए कैसी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार तो हमको कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ती थी, हमारे सिविल सर्जन से बात करनी पड़ती थी, लेकिन उस समय भी जिस धैर्य के साथ हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, और उसकी सभी वर्गों ने, सभी ने तारीफ की है, जो आप लोगों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा करी। आज इस ऑक्सीजन प्लांट का मोदी जी पूरे देश में लोकार्पण कर रहे हैं। हमारे देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के इतना काम नहीं, कभी सोचा नहीं गया कि ऐसी ऑक्सीजन की कभी आवश्यकता पड़ती है या अन्य सुविधाएं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आप सभी को ध्यान होगा,
कि सिर्फ वो 4 दिन की ऑक्सीजन की कमी थी, उसके बाद इस तरीके से लाया गया कि ऑक्सीजन एक्सेस हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय फवारा चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने लखीमपुर खीरी में घटित घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी गतिविधि की संज्ञा दी। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने कोरोना काल में दिखा दिया साथियों कि अगर छिंदवाड़ा का कोई एक इंसान तरसता था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो माननीय कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के कटौती लाइन लगा दी छिंदवाड़ा में। उन्होंने कहा कि एक भी इंसान ऑक्सीजन की वजह से उसका इलाज नहीं रुकना चाहिए। जहां रेमडेसिविर के लिए वो इंजेक्शन पूरे इंडिया में पूरे भारत में उस इंजेक्शन की शॉर्टेज थी, वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा था, माननीय नकुलनाथ जी ने, माननीय कमलनाथ जी ने उस इंजेक्शन को मुफ्त में हमारी जनता की सेवा में लगाया। आप लोग हर एक चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, भुगत रहे हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर और हमारे नेता माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय गांधी चौक जो हमारा पुराना फवारा चौक पर वहां पर सांकेतिक धरना दिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल तो आसमान छू रहे हैं, चाहे हमारे घर की सामग्री ले, तेल, खाद्य तेल, राशन, क्योंकि डीजल से पूरा ट्रांसपोर्टिंग का व्यापार जुड़ा होता है, ट्रांसपोर्टिंग से पूरा सामान आता है, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे पशुओं का सामान हो, जितनी भी वस्तु ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ी है, उसके कारण पूरे महंगाई बढ़ते जा रही है। इसके खिलाफ माननीय कमलनाथ जी ने एक हमारे पूरे प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आज सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें हमारे साथ माननीय हमारे उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय विश्वनाथ गुप्ते जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई पंकज शुक्ला जी और समस्त अनुसंगठन संगठक यूथ कांग्रेस, NOCI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, उसकी झोपड़ी प्रकोष्ठ, साथियों सहित बड़ी संख्या में आज सभी ने धरना दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई जो बढ़ रही है उसके खिलाफ, और जो अभी लखीमपुर में किसानों के साथ अत्याचार हुआ और हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी के जो षड्यंत्र पूर्वक उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ भी सब लोगों ने आवाज़ उठाई और हम शासन प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चले वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन कार्यक्रम आज वन संवाद भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सप्ताह भर तक चले वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रशासकीय समिति की प्रधान श्रीमती कांता ठाकुर, मुख्य वन संरक्षक KK भारद्वाज, DFO अखिल बंसल सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बरसात हो, कितनी कड़क ठंड हो, इन्हें 24 घंटे जंगलों में रहकर सेवा करनी पड़ती है और सेवा तो करनी ठीक है लेकिन इन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तस्कर भी वहां पर आ जाते हैं और हथियार के साथ होते हैं तो उस सलाम करते हैं, वाकई सलाम के काबिल है वो भी। और अगर हम देश के भीतर की बात करें तो पुलिस महकमा हुआ और ये जो वन विभाग है, वाकई इन्होंने ही इस प्रकृति के संतुलन को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान, जो के साथ होते हैं, प्राणियों के साथ होते हैं और उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं और साथ में जो किनारे में जो गांव शहर लगे जिसमें हम इनका स्वागत करेंगे, तो हमारे इन सभी वन कर्मियों का जिनका स्वागत होने जा रहा है उनके लिए सबसे पहले जोरदार जोरदार जोरदार।
जानते हैं बहुत बढ़ चढ़कर और पूरे उत्साह उमंग से ही वन विभाग के कार्यक्रमों में भी भाग लेती है। इसके द्वारा वन्य प्राणी अपराध अन्वेषण और वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण हेतु वर्ष 2021 को बंद रखकर वन परिक्षेत्र पराशिया द्वारा वन्य प्राणी अपराध अन्वेषण और वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण वन पराशिया क्षेत्र के ये वनकर्मी हैं। इन्होंने भी वन्य प्राणी अपराध अन्वेषण और वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण हेतु वर्ष 2021 में उत्कृष्ट प्राणी अपराध अन्वेषण और वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण हेतु वर्ष 2021 में इन्होंने भी निरंतर ठीक बेटा जाए दीक्षा सोनी सेकंड सुश्री दिव्यांशी जैन थर्ड प्लीज पधारिए श्री मयूरी हके थर्ड तालियां जरूर बजाइए दीक्षा हाथ सेकंडरी हाथ सेकंडरी देखो अंशु डहरिया मयूरी आ गई गुड अच्छा गाइए बेटा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2021 का समापन था 7 अक्टूबर 2021 को। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम में सभी छात्रों नगरवासियों ने बहुत उत्साह से बहुत ऊर्जा से इसमें भाग लिया और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन समस्त प्रतियोगिता में जो छात्र विजेता हुए उन सब लोगों को आज पारितोषक दिया गया और इसके साथ हम लोग ये जन जन में संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। वन पानी संरक्षण प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज आगामी दशहरा एवं मिलाद उन नबी पर्व शांति एवं सद्भावना पूर्वक मनाए जाने की दृष्टि से शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन व पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पर्वों को लेकर प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया तथा शांति समिति सदस्यों से व्यवस्था बनाने हेतु सहयोग की अपील की। और हम सब लोग मिलके हमेशा से पिछला अभी डेढ़ महीने से चीजों को समझते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि गुरु के निर्देशों में एज सच कोई अंतर नहीं था। तो हम लोगों को पता है कि आप लोग अवगत हैं शासन प्रशासन के कंसर्न से भी, जनता की भी जो चिंताएं रहती है पर बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा हम लोगों का मानना है। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे कि हमसे चार कदम बढ़ के आप लोग अपनी ही जनता की सुरक्षा के विषय में सोचेंगे। पर्व त्योहार सब लोग हम लोग मिलके मनाते हैं, इस बार भी मनाएंगे। पिछली बार भी रामलीला हुई थी, हम लोग उसमें जाके शरीक भी हुए थे। अन्य भी त्योहार लेके हमेशा हम लोगों की लीनियंसी रही है, पर्व त्योहार में कोई विवाद करने की मंशा हम लोगों की भी नहीं रहती है। यदि कहीं जो गाइडलाइन अभी बताई गई है, वैसे बहुत स्ट्रिक्ट कोई गाइडलाइन है नहीं, चीज़ों में पहले से ढील की ही बात की। जो भी प्रोटोकॉल अभी शासन ने बनाया है आम जन के हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है, उसमें शासन या प्रशासन का अपना कोई निहित स्वार्थ या हित नहीं होता है, आम जन की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो एक्स्ट्रा ढील दी गई है, जैसे कुछ संख्या शादी में बढ़ गई, अंतिम संस्कार में भी बढ़ गए, तो शांति समिति में भी हम लोग उस चीज को जान लेंगे। शादी में 300 लोग हो गए और बड़ी माता मंदिर समिति की ओर से हम सभी पदाधिकारियां बैठे शांति समिति पे विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पे जो भी निर्णय शहर के हित में होगा हम आपके साथ हैं और शहर सुरक्षित रहे उसके लिए हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाएं। एक छोटा सा निवेदन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए है कि अभी विगत दिनों सोशल मीडिया से अखबारों से प्राप्त हो रहा है कि आपने और CSP साहब और पूरी टीम ने अखबार आप यहाँ देखो वहाँ दारू अवैध पकड़ा रही है, सट्टे जुमे चल नहीं रहे हैं, ऐसे ही छिंदवाड़ा रहा है, ऐसा सबका सपना था। बस इतना मेरा निवेदन है कि त्यौहार के समय ऐसे बहुत से हिटरी सीटर हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखकर उनको एक बार समझाइश दे दी जाए कि कम से कम विजयदशमी तक शांत रहो भैया। न्यायालय भेजा हुआ है और ऐसे ही चिन्हित लोगों को हम जिला बदर के साथ साथ NSA के अंतर्गत जेल निरुद्ध भी कर रहे हैं। तो अपराधियों के ऊपर सख्ती हमारी जैसे पूर्ववत थी उसको आगे भी हम लगातार रखेंगे और आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। यदि आप लोग किसी भी तरह के अपराध के बारे में कोई सूचना देना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर अधिकारी यहाँ जितने सभी बैठे हैं स्वतंत्र हैं, आप कभी भी रात में दिन में सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई हो। इस मुद्दे पे आते हैं शांति समिति। कुछ नाइट कर्फ्यू की बात इसमें लिखी हुई है तो आपके लिए सूचनार्थ है, यदि उस संदर्भ में कोई क्वेरी हो या कुछ जानना चाहेंगे तो उसमें भी हम लोग कुछ क्लैरिफिकेशन।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने विगत दिनों हुई तेज बारिश से जिले भर में हुए फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की। आज माननीय कलेक्टर साहब से समय लेकर हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं। हम सब ने हमारे किसानों के क्षेत्र में जब दौरा किया तो देखा कि वहाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण जल भराव हो गया है और जो फसल है उनकी जड़ों में पानी भरने से गल रही हैं और खराब नष्ट हो रही हैं, जिसमें मूलतः सोयाबीन है नई ब्रीड का जो है। तो हमने सबसे पहले कृषि उप संचालक महोदय को खबर की और सहायक संचालक वहाँ हमें मिले धीरज ठाकुर जी, उनको जाकर के इसकी सूचना और ज्ञापन की कॉपी दी। उसके बाद हमने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया और ओपी शर्मा जी प्रभारी अधीक्षक साहब ने रिसीव किया आवेदन। हम सब चाहते हैं पूरे किसान की जो फसल प्राकृतिक रूप से नष्ट हुई है और पूरे जिले के कोने कोने में हुई है, हमारे चांद चौरी क्षेत्र में तो सोयाबीन ज़्यादा होता है, कुछ फसल पंडुना इधर क्षेत्र में कपास वगैरह होता है, कुछ इधर और भी ऐसी सब्जियां हैं अपने छिंदवाड़ा में ग्रामीण में, तो कुछ बहुत सारी ऐसी फसलें किसानों की नष्ट हो रही हैं जिसमें किसान वैसे ही कोरोना से अभी पीड़ित थे और वैसे ही अभी नुकसान में है और ये और होने से किसान थोड़ी दुविधा में है। इसलिए हमारा निवेदन है, हमने कल हरदा में माननीय प्रभारी मंत्री जो कृषि मंत्री जी भी है उनसे भी मिलकर के साहब से भी आग्रह किया था, कल हरदा में थे तो साहब ने भी कहा कि हम इसको सीएम साहब तक पहुँचा के इसका सर्वे कराएंगे और आरबीसी की जो 4 और 5-6 धारा होती है उसमें प्रावधान है, तो संशोधन हो गया उस एक्ट में, उसके तहत सभी किसानों को जो भी उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए सर्वे के बाद मिलेगा और हमें कलेक्टर साहब से बहुत उम्मीद है। माननीय हमारे जिले के प्रशासन के सभी अधिकारी कृषि विभाग संबंधित राजस्व के उनसे मैं बार बार आग्रह करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे जिलाध्यक्ष बंटी साहू जी का और हमारे पूर्व कृषि मंत्री चंद्रभान जी का और हमारे जिला प्रदेश मंत्री आदरणीय संजय सक्सेना जी का और जो कि जिलाध्यक्ष भी हैं किसान मोर्चे के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का कि जिन्होंने किसानों के को लाभ का धंधा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, जिन्होंने किसानों को हमेशा वक्त पे आने मदद की कोरोना काल में भी। उनसे भी मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सब छिंदवाड़ा जिले के हैं और हम लोग वैसे ही थोड़े परेशानी में है क्योंकि 2 बार बाढ़ आ गई यहाँ पे, पहले भी आई थी अपने जिले में तो वो भी मुआवजा रह गया था, कुछ फसल बीमा का भी रह गया था, ये सब मांगे हमने माननीय कलेक्टर साहब को दिया है। और आज से शारदीय नवरात्र पर्व प्रारंभ हो गए हैं। शहर के पूजा पंडालों और मंदिरों में माता रानी की भव्य व सुंदर प्रतिमाओं का आगमन भी प्रारंभ है। कोरोना काल के बाद इस बार नवरात्र पर्व को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। श्री बड़ी माता नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर
ट्रस्ट माता रानी के सभी भक्तों को चैत त्यौहार नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। श्री बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार में आज माता रानी के त्यौहार नवरात्र पर्व की शुरुआत बड़े धूमधाम से हम प्रारंभ कर चुके हैं। 501 मनोकामना कलशों की यहाँ पर स्थापना हुई है। साथ ही माता रानी का ये भव्य दरबार एक महल नुमा मेज पर सुसज्जित किया गया है और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे एवं रात्रि 8 बजे माता रानी की आरती होगी, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस वर्ष से श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने एक और अभिनव पहल की है, जिसमें प्रतिदिन 11 जोड़ों को हम प्रातः 6 बजे से अभिषेक करवाते हैं। माता रानी के जो भी भक्त इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं, वे भी मंदिर ट्रस्ट के सेवादारों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, माता रानी के समस्त पर्वों में आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्री बड़ी। 6 अक्टूबर की रात श्री रामलीला मंचन के दौरान निषाद राज संवाद व राजा दशरथ मरण के प्रसंग का मंचन किया गया। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा इस वर्ष विशेष प्रयास कर लीला को अत्यंत आकर्षक व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। पितरु पारु करि प्रभु हि पुनि रामा मुदित कयउ लै पारसिया रामा। मनाता पुरुषोत्तम तो भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में पड़ा। हे प्रभु, मुझे देना है तो अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। नाई देना नाई ले मूल की मुढ़ाई प्रभु, धोबी देना धोबी ले कपड़े की धुलाई प्रभु, तो मैं कहते हैं आपसे ले लू नाव की उतराई। नदी के पास मुझे लगता है कि ओम रंगनाथ नमः वो ओम रंगनाथा शांतु का पुत्र श्रवण कुमार था, कौशल्य श्रवण कुमार था और श्रवण कुमार नहीं हूँ कौशल्य, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, श्रवण कुमार की माँ ने अपने प्राण त्याग दिए कौशल्य, प्राण त्याग दिए कौशल्य। श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि दशरथ जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र वियोग में थड़प थड़प कर जान दे रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर जान देगा, तड़प तड़प कर जान देगा। और कौशल्य श्रवण कुमार के माता पिता आ गए। राम राम कई राम कई राम राम कई राम तनु परि हरि लघु वर विरह राउ गयउ सुरदाम। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। यदि सिटी हलचल की सुर्खियां, आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में 35 ऑक्सीजन प्लांटों का किया शुभारंभ। जिला चिकित्सालय में भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया लोकार्पण। जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा कर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का किया विरोध। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का हुआ समापन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता हुए पुरस्कृत।
और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, आगामी पर्वों को लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की सहयोग की अपील। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।